हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल चीज़। और पीकर आप, क्योंकि समर आ चुकी हैं, अभी से इतना टेम्परेचर होने लगा है, तो आज मैं आपके लिए ठंडाई की रेसिपी लेके आई हूँ। दोस्तों अगर उसे हम एक बार बना लेते हैं तो आपकी होगी तो अच्छे से आपकी गर्मियाँ निकलेंगी, क्योंकि हर चीज़ हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। ड्राई फ्रूट खाने में हमें जो वो रहती है परेशानी, ड्राई फ्रूट हम नहीं खा पाते, हर लोग अवेलेबल नहीं कर पाते हैं कि हम रोज़ रोज़ ड्राई फ्रूट खाएं, और हमें वो सूट भी नहीं करता है ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट से क्यों ना हम एक अच्छी सी रेसिपी बनाएं, यानी ठंडाई। वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी रहेगी और आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये इस तरह से ये फूल चुके हैं, आप देख सकते हैं फूल के डबल हो चुके हैं सारी चीजें। इसके पानी ने भी कलर चेंज कर दिया है। सारी चीजें बहुत अच्छे से फूल के बड़ी बड़ी हो गई हैं। अब इनको हम मिक्सर जार के ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सर जार में। बारीक ग्राइंड कर लेंगे। Thank you.
दोस्तों ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। ये इतना ठीक हो गया है। इसे हम ऐसी कांच की बोतल में भरेंगे। दोस्तों ये हमने दूध ले लिया है, इसमें हमें 2 चम्मच ये डालना है। दो चम्मच भर के इसमें हमें ठंडाई डालना है। हमें है ना ठंडा ही दूध लेना है। इसे आप इसको किसी भी चीज में मिला सकते हैं, दही दूध छाछ किसी भी चीज में आप इसको मिलाकर पी सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और गर्मियों में सबसे ज्यादा हमें फायदा करता है, ठंडाई की हमें सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, तो हमें किसी भी रूप में हम इसे पी सकते हैं। इसमें हम थोड़ी से 2 पत्ती केसर की डाल देंगे और ये सर्व करने के लिए रेडी है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये चीज़ आप ठंडाई की रेसिपी है, आप घर में जरूर बनाकर देखें और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। थैंक यू एंड बाय बाय।